पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तीन बड़ी तब्दीलियां, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद समेत तीन बड़े नाम शामिल कर लिए गए। क्या पाकिस्तान के स्क्वाड में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी होने जा रही है और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तीन बड़ी चेंजेस कौन से होने वाले हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शुरू कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को छोड़ दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिल सके। फ्रेंड्स, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड 2 से 3 दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा जिसमें अबरार अहमद को लाजमी तौर पर शामिल किया जाएगा। बाबर आजम ने भी इस पर एग्री कर लिया है कि अबरार को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जाए और फहीम अशरफ को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से छुट्टी दे दी जाए। इसके अलावा CPL में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाले इमाद वसीम और साथ में मोहम्मद आमिर पर भी जेर गौर किया जा रहा है। इमाद वसीम का तो काफ़ी परसेंट चांस है कि वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे और ना ही बैटिंग के साथ कुछ करके दे रहे हैं, तो इस वजह से इमाद वसीम की शमूलियत आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि इमाद वसीम ने CPL के हर एक से दूसरे मैच में परफॉर्म करके अपनी टीम को मैचेस जितवाए हैं। और बात रही पाकिस्तानी पेसर मोहम्मद आमिर की, तो वो PSL में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। वो भी हर एक मैच में 3 से 4 आउट कर रहे हैं और इकोनॉमिकल बॉल स्पेल करवा रहे हैं, लेकिन तब तक मोहम्मद आमिर टीम में शामिल नहीं हो सकते जब तक वो अपना रवैया ठीक करने के साथ साथ रिटायरमेंट वापस नहीं ले लेते। और वर्ल्ड कप में एक और बहुत बड़ी चेंज होने जा रही है, जो कि तीसरी बड़ी चेंज है, वो हसन अली की पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शमूलियत होने जा रही है क्योंकि नसीम शाह इंजरी का शिकार हो गए थे और हसन अली को एज द एक्सपीरियंस कैंडिडेट माना जा रहा है और हसन अली को पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इमाद वसीम, हसन अली और साथ में अबरार अहमद को वनडे स्क्वाड में शामिल करना कैसा है डिसीजन? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।